हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो 5 साल पहले पीएम मोदी ने बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था। ये भारी भरकम पैकेज बिहार के चौतरफा विकास के लिए था, और अब जब चुनाव नजदीक हैं, विपक्ष 5 साल बाद 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का हिसाब मांग रहा है। विपक्ष सवाल कर रहा है, 1.25 लाख करोड़ का क्या हुआ? दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज। 1.25 लाख करोड़ रुपया। करीब 5 साल पहले बिहार के आरा में पीएम मोदी ने बिहार के लिए सबसे बड़ा ऐलान किया था। 1.25 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा से बिहार के विकास का रास्ता खुल गया, लेकिन अब 5 साल बाद विपक्ष 1.25 लाख करोड़ का हिसाब मांग रहा है। ना सिर्फ वो ऐलान, बल्कि उस ऐलान का तौर तरीका बिहार आज तक नहीं भूला है। कितने दूं, 30,000 करोड़ दूं कि 40,000 करोड़ दूं, इतने दूं कि उतने दूं, बता दो भला कितने दूं। हम तो उस शैली से भी इतने प्रभाव में आ गए थे कि बाद में ढूंढते रहे, वो शैली भी फिर नहीं मिली और वो पैकेज तो मिला ही नहीं। आखिर बिहार के 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का क्या हुआ? 1,25,000 करोड़ किन योजनाओं पर खर्च हुए? क्या सरकार के पास 1.25 लाख करोड़ का हिसाब है? अचानक से बिहार के लिए प्रधानमंत्री जी की चिंता को देख करके दो तरह के ख्याल आते हैं, हे भगवान ये सच हो, और दूसरा ये ख्याल आता है कि हे भगवान ये 2015 जैसा ना हो। मैं सिर्फ इतना, मैं फिर से एक बात दोहराता हूं कि प्रधानमंत्री मेरे भी हैं, उनसे भी शिकायत होगी तो उन्हीं के पास जाएंगे, कोई और विकल्प नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री जी को भी ये स्मरण रहे, ये याद रहे कि चुनावी राजनीति अपनी जगह, पार्टियां आती हैं जाती हैं, सरकारें बनती हैं बिगड़ती हैं, लेकिन राज्य के लोग वो ईमानदार कमिटमेंट चाहते हैं, हवा हवाई नहीं, हवा मिठाई नहीं। 1,25,000 करोड़ के पैकेज का बड़ा हिस्सा राजमार्ग और ग्रामीण सड़कों के लिए था। इसके अलावा कृषि, केंद्रीय विश्वविद्यालय, स्किल डेवलपमेंट, गांधी सेतु के समानांतर पुल पर खर्च होना था। इसके अलावा कई और क्षेत्रों के लिए पैकेज से रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन विपक्ष पैकेज को छलावा बता रहा है। चुनाव समाप्त हुआ और प्रधानमंत्री उस वादे को भूल गए, और इसीलिए अब प्रधानमंत्री के वादे पर लोगों को विश्वास भरोसा नहीं है, खासतौर पर बिहार के लोगों का, क्योंकि हर चुनाव में, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, वो कोशिश यही करते हैं कि लोगों को झूठा आश्वासन देकर उनका वोट हासिल किया जाए। बिहार का 15 साल के शासन के बाद भी आज बिहार बीमारू राज्य है। कोई विकास, कोई उद्योगीकरण या कोई इस तरह के एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं हुई। पीएम मोदी के पैकेज पर 5 साल बाद फिर बिहार में घमासान मचा है, लेकिन बीजेपी ने पलटवार की पूरी तैयारी कर ली है। बिहार की वर्चुअल रैली में अमित शाह ने 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का पूरा हिसाब गिना दिया। मित्रों, मोदी जी ने 2015 में बिहार के विकास के लिए 1,25,000 करोड़ का पैकेज दिया था, तब विपक्ष मजाक उड़ा था। मैं आज हिसाब लेकर आया हूँ, वो 1,25,000 करोड़ में से क्या हुआ? महामार्ग निर्माण के 54,000 करोड़, ग्रामीण सड़क के 14,000 करोड़, रेलवे के 9,000 करोड़, हवाई अड्डों के सुधार के लिए 2,700 करोड़, पर्यटन के लिए 600 करोड़, कौशल विकास के लिए 1,525 करोड़, पेट्रोलियम और गैस के लिए 21,000 करोड़, बिजली के लिए 16,000 करोड़, शिक्षा के लिए 1,000 करोड़ और स्वास्थ्य के लिए 600 करोड़, डिजिटल बिहार के लिए और 450 करोड़ का खर्च हम समाप्त कर चुके हैं और काम जमीन पर दिख रहा है। 1.25 लाख के पैकेज के बहाने में बिहार में एक बार फिर विकास के नाम पर बहस छिड़ी है। बड़ी चुनौती सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश के सामने है, जिन्हें 15 साल का हिसाब देना है, क्योंकि बिहार से इन दिनों सरकार और एनडीए विधायकों से लोगों की नाराजगी की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं।
लोगों का गुस्सा चुनाव में भारी पड़ सकता है। बिहार की राजनीति की नब्ज पहचानने वाले नीतीश ये अच्छी तरह समझते हैं। पीएम के 1.25 लाख के पैकेज का नाम तो नहीं लेते, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए क्या किया ये बताना नहीं भूलते। जो कुछ भी है और जो काम है, बहुत सारे काम हो गए, काम प्रारंभ हो गए, बहुत सारा काम पूरा हो गया, प्रोसेस में पूरा हो गया। जैसे हम लोग इंस्टीट्यूशन बनवा रहे हैं, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, जीएनएम संस्थान, पैरामेडिकल संस्थान, ये सब बनवा रहे हैं हर, और महिला आईटीआई हर अनुमंडल में आईटीआई, तो इस तरह से, और एएनएम संस्थान, ये सब काम कर रहे हैं। तो बड़े पैमाने पर सब काम शुरू हो गया और बिल्डिंग का भी कंस्ट्रक्शन बहुत जगह हो चुका है, अनेक जगहों पर हो रहा है, नए मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण। तो इन सब चीज़ों पर जो काम हुआ है, सारे संस्थानों का निर्माण, ये सब आप देख रहे हैं कि कितना अधिक संख्या में लोग इसका लाभ ले रहे हैं। नीतीश के दावों में कितना दम है, बिहार के विकास के लिए जो खर्च हुए वो जमीन पर कितना दिखाई देता है, 1.25 लाख करोड़ के पैकेज से बिहार का कितना भला हुआ, इन सवालों का जवाब अब वोटर ही देंगे।